आगे बढ़ते हैं, हापुड़ से खबर है। आवारा कुत्तों का आतंक है, घर के बाहर मासूम पर कुत्तों का हमला हुआ है। 4 साल के मासूम को कुत्तों ने बुरी तरीके से काटा है। बच्चे के सिर में कुत्ते के दांत के निशान है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। हापुड़ के बुर्ज मोहल्ले का ये पूरा मामला है और छोटे बच्चे पर कुत्ते ने हमला बोला। 4 साल का ये बच्चा है और बताया जा रहा है कि बच्चे के सिर में कुत्ते के दांत के निशान है। अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटा बच्चा था और उसके सिर तक पहुंचकर कुत्ते ने उस पर किस तरीके से झपट्टा मारा, किस तरीके से उस पर हमलावर हुआ। फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पूरी घटना गली में लगे सीसीटीवी में कैद है। देखिए कुत्ते ने किस तरीके से झपट्टा मारा, बच्चा भागता है लेकिन इस दरमियान बच्चे के सिर में कुत्ते के दांत के निशान है क्योंकि वो बैठा हुआ था और अचानक उसने कुत्ते ने बच्चे के ऊपर किस तरीके से झपट्टा मारा। बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई लेकिन इस दरमियान बच्चा घायल है। खबर लखनऊ से है जहां अपराध में कमी को लेकर योगी मॉडल हिट बताया जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक योगी मॉडल हिट है। यूपी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई है। 2019 की तुलना में महिला अपराध में 6.2% की कमी है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 11.11% की कमी रिपोर्ट की गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रदेश दंगा मुक्त है। 2019 में यूपी में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले सामने आए थे जो कि 2021 में घटकर 16,838 हैं। यानी कि बाल अपराधों में 11.11% की कमी आई है। वहीं 2019 में यूपी में महिलाओं के खिलाफ मामले जो दर्ज हुए थे वो थे 59,853, लेकिन 2021 में ये घटकर हो गए हैं 56,083। यानी कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 6.2% की कमी आई है। इसके साथ ही साइबर क्राइम के मामलों का रिपोर्ट कहता है 2021 में जितना था ये घटकर पहुंच चुका है 8,829, मतलब 22.6% की कमी। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये तमाम चीजें कोट करते हुए सामने आई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।